कानपुर वीवीएन एंटरटेनमेंट के मिस्टर मिस मिसेज किड्स एशिया एंड नॉर्थ इंडिया का ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। शो में जज के रूप में शाहीन खान, नसरीन हुसैन, अनिल सिंह, कोमल सिंह, लोकेश, आकाश मेसी, श्रद्धा कुशवाहा शामिल रहे। पूरे देश से आए लगभग 120 बच्चों ने भाग लिया। अलग अलग कैटेगरी में विजेताओं को सम्मानित किया गया। श्याम की बुलबुल, रवि साहनी, सिमरन भारद्वाज, कशिश, तुषारिका आयान, जूनियर बच्चों कृतार्थ कांता, किलिश रामानुज, श्रेया, वैशाली, अनीशा, आरोही, नवाज, अरफान सभी अपने अपने वर्ग में विजेता रहे। शो में मुख्य अतिथि के रूप में रजत सिंह, अरविंद सिंह मौजूद रहे। मेकअप आर्टिस्ट की कैटेगरी में प्राची सिन्हा को विक्की बहल ने सम्मानित किया। विजेता रहे बच्चों को मिस्टर मिस मिसेज यूनिवर्स किड्स गोवा में इंटरनेशनल शो का डायरेक्ट एंट्री दी गई है। ऑर्गेनाइजर विक्की बहल ने बताया कि इस तरह टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लेकर जाना ही उनका उद्देश्य है। देखिए ये रिपोर्ट। आज के मैं मिसेस नॉर्थ इंडिया विनर रही हूँ आज के प्रोग्राम में और काफ़ी खुश हूँ इस अच्छे से खिताब को जीत के। काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। कितनी खुशी हुई आज आपको? आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आज आप फैमिली के बीच जाएंगी तो कितना आपको बहुत ही ज़्यादा सब खुश होंगे। ये मेरा सेकेंड विनिंग अवार्ड है। फर्स्ट मैं मिसेज नूर जहाँ बनी थी, आज मैं मिसेज नॉर्थ इंडिया बन चुकी हूँ। आज आपको पूरा कानपुर उत्तर प्रदेश देख रहा है, क्या कहना चाहती हूँ? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली के सपोर्ट एंड प्यार की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। उनके लिए मैं बहुत थैंक यू उनको कहना चाहूँगी उसके लिए। क्या नाम है आपका? आज के प्रोग्राम में आपको आमंत्रित किया गया है? बिल्कुल, मुझे एज ए शो स्टॉपर आमंत्रित किया गया था और मैं प्रयागराज से हूँ, जो मुझे प्रयागराज का वीवीएन ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और मेरा नाम नसरीन हुसैन है, मैं मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्लासिक 2021 की विनर हूँ। बिल्कुल, मैंने विन किया था वीवीएन मिसेज इंडिया इंटरनेशनल के लिए 2021 में। क्या संदेश देना चाहती हूँ लोगों को आज आप इस मुकाम पे पहुँच गए, और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती? बिल्कुल, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो टैलेंट होता है उसे हमें, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये टैलेंट दिखाने की कोई एज होती है, आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं, बस आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जो वीवीएन दे रहा है। थैंक्स टू वीवीएन, दैट्स इट। क्या नाम है आपका और आज किस प्रोग्राम में आपको आमंत्रित किया गया? जी, माई नेम इज़ कीर्ति गोस्वामी एंड मुझे यहाँ पर विक्की सर ने इन्वाइट किया है एज आ मिस एंड मिसेस नॉर्थ इंडिया के शो के लिए, एंड मैंने रनवे में भी पार्टिसिपेट किया है। अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, सो आगे देखते हैं। कहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, लगभग कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा? आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा है रश, काफ़ी मॉडल्स आई हैं। ये मेरी फ्रेंड है, ये भी आई है उज्ज्वला, एंड ये इधर रुद्र पैलेस में इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से अदर पिछले वाले आपके प्रोग्राम हुए हैं और यहाँ पे आगे कैसा लगा? यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। इससे पहले मैंने मिस एंड मिसेस नूरजहाँ कानपुर शो किया था, उसकी मैं विनर रह चुकी हूँ, सो ये मेरा सेकंड शो है। इन फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, आप क्या अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, कहाँ पाना चाहती? मैं एज आ बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर ही हूँ, तो मैं अपनी फील्ड में ही आगे जाना प्रेफर करूँगी। मैं जॉब भी कर चुकी हूँ फैशन डिज़ाइनिंग में, 4 ईयर्स मैंने जॉब भी करी एज अ डिज़ाइनर,
बट फिलहाल अब मैं अभी अपने करियर को ही आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। कैसे आपका मन आया कि इससे पहले मैं जॉब करती थी दिल्ली में, वहाँ पे मैंने एज अ डिज़ाइनर जॉब करी एक्सपोर्ट हाउस में, देन मैरिज, फिर उसके बाद फिर ये था कि मैरिज के बाद मैंने कंटिन्यू किया मॉडलिंग। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे प्रेफर किया कि तुम्हारी हाइट वगैरह सब पर्सनालिटी है इसी में जाने की। मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि नहीं कर सकते हो, जा सकते हो इसमें। सो इस वजह से मैंने इसमें क्या नाम है आपका? फीबी फेथ। फीबी जी, आज आपने किस पार्टिसिपेट किया, आज क्या रनर नहीं विनर है, क्या रहे? आई वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर हियर and I won Miss UP, yeah. क्या संदेश देना चाहती हूँ लोगों को, कितनी खुशी है आज आपको? I feel terrific, I feel really wonderful, and first of all I'd like to give all credits to my parents because they have supported me, and when I told them what I wanted to do in my life, they were very optimistic towards it, and I'd like to say thank you to the organizer of this event, Mr. Vicky Bell. He's been really convivial and he has always kept me posted about the shows, and I'd like to say that anything is possible if you want to pursue your dream, if you're really passionate about it. So yeah, I got it. अपने मेकअप आर्टिस्ट के बारे में क्या कहना चाहती हैं, उनका परिचय देते हुए बताइए। जी, आज का मेरा मेकअप गौरव ने किया है, बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, और इसने आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मेरा मेकअप किया है। सो मैं उसके लिए थैंक यू, गौरव को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू गौरव, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, और फिलहाल मेरी मॉडल ने इतनी मेरी तारीफ की और मेरा मेकअप सबको पसंद आया। यस, मैंने इससे पहले दो शो कर चुका हूँ, स्काई हिल एंड परवीन सर का, और उसमें भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं, एंड मुग्धा गोसाई मैम से मिला है, देन भागश्री मैम से मिला है मुझे अवार्ड। क्या नाम है आपका, आज के प्रोग्राम में आपको आमंत्रित किया है? मेरा नाम उज्ज्वल दीक्षित है, मुझे यहाँ पे विक्की सर ने बुलाया है एज अ रनवे मॉडल के लिए, और ये शो तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप क्या मॉडलिंग फैशन डिजाइनर क्या है? मैं मॉडल हूँ, और मैंने ग्लैमर अभी शो हुआ था दीपक सर का, दीपक बलवानी का, उसमें फर्स्ट रनअप रह चुकी हूँ। कितने मतलब पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और कितने साल से कर रही हूँ? मैं कम से कम एक साल तो हो गया मुझे, एक साल से मैं कर रही हूँ मॉडल बन चुकी हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से और किस प्रोग्राम में आपका आना हुआ? मेरा नाम वैशाली चौधरी है, मैं प्रयागराज से हूँ। मैं आज ये वीवी एंटरटेनमेंट शो में आई हूँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ मॉडलिंग के लिए। अच्छा, कितनी खुशी हुई आपको? मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुई, यहाँ का अरेंजमेंट और व्हाटएवर जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, और हमें जो ड्रेस प्रोवाइड करवाई जा रही है वो भी बहुत अच्छी है। डिज़ाइन के क्षेत्र में क्या फ्यूचर और क्या बनना चाहते हैं? आपने डिज़ाइनिंग को चुना और भी? जी, डिज़ाइनिंग के फ्यूचर में मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मतलब मैं आगे जैसे कि फॉरेन में जो कंपनीज होती हैं उनको हायर कर, मतलब चाहती हूँ कि वो मुझे हायर करे और मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिले। सो बस यही है।